आए हैं यहाँ पे दुबई में घूम रहे हैं, और इसमें घूमते घूमते हम लोग ये बेंटले कार यहाँ दिखी जो सेल पे है शायद। तो आप में से जो बेंटले कार खरीदने को सोच रहा है तो वो यहाँ से आके इसको ले सकता है। हम लोग भी सोच रहे थे इसका कोई एक पार्ट शायद खरीद लें, क्योंकि बेंटले तो सबके लिए नहीं बनी है, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। मैं से आई थिंक ये 3 या 4 करोड़ की कार है। अगर आपको देखना तो और अच्छे से दिखा देते हैं, क्योंकि कैमरे में देखने में आपका पैसा नहीं लगेगा, कैमरे में देखने में कोई पैसा नहीं लगता है बेंटले। और देखिए बड़ी खूबसूरत सी कार है, कार के शौकीन है मैं देता हूँ, सेल्फी मोड में अच्छा नहीं दिखेगा। अब आप आराम से इसको देख सकते हैं, देखिए। तो ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कब हम इसको बुक करा दें। ये लोग प्लान कर रहे हैं कि ये बेंटले बुक करा के अपना ले जाए यहाँ से। तो ये कुछ कहानी किस्से यहाँ पे बन रहे हैं छोटे बड़े, तो अपडेट हमारे सोचा आप सबको कर दिया जाए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि जैसे दुबई एयरपोर्ट जरूर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है नोएडा, लेकिन कोरोना का इफेक्ट आप देख सकते हैं। जो नीचे हमारी दुकानें आपको दिख रही हैं, आप चारों तरफ दुकान देख रही हैं, सारी दुकानें क्लोज हैं ऑलमोस्ट। तो और इसी की वजह से आप देख सकते हैं एयरपोर्ट में सिर्फ हमारे जैसे कुछ लोग ही दिखेंगे जो यहाँ फालतू घूम रहे हैं, या स्टूडेंट हैं, हम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए तो एयरपोर्ट पूरा सुनसान है, खाली है। इतना अच्छा एयरपोर्ट में आपको कोविड का असर पूरी तरह से देखा जा सकता है। और ये देखिए सारे बच्चे अपना, जितने भी यहाँ पे फालतू लोग हैं वही हम ही लोग दिखेंगे आपको पूरे एयरपोर्ट में, जो यहाँ पे समय खराब कर रहे हैं। बाकी दुकानें हैं और बाकी जैसे खाने पीने का थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट खुला है वो ठीक, अदरवाइज अगर शॉप्स हम देख लें तो पूरा सब क्लोज्ड है। तो अभी माहौल कोरोना का भी दिख रहा है, इसलिए बहुत कुछ दुबई एयरपोर्ट में अब हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक यू भाई, बाय बाय।